इतना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में दशमी तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिंगो कर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है, जिंदगी भर के दीप की भर। विष्णु पुराण किस किसने सुनी है, हाथ उठा। विष्णु पुराण का पांचवा अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया गया। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, होती कि नहीं होती, लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, उसको देखिए जरा। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी देव देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर है वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है, तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई जाती है। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी, यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है, 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने, उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिंगो कर प्रज्वलित कर दिया जाता है, तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है, उसको सहस्त्रावली बत्ती।